हरे कृष्णा। कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय का 25th श्लोक हम सुन रहे हैं। भेजिरे मुनयोथाग्रे भगवन्तम् अधोक्षजम् सत्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते येनु तानिह। इसका मतलब क्या है? देखिए, ये जो बड़े बड़े भक्त लोग हैं, उन्होंने भक्ति सेवा की है किसकी? उनकी जो तीन गुणों से ऊपर है अधोक्षज, वो है भगवान विष्णु है। तीन गुण का ऊपर वाला भगवान को, अधोक्षज को यानी भगवान विष्णु का पूजा किया है। और इधर लिखा है कि क्यों पूजा करते हैं वो लोग, क्योंकि उनको ये भौतिक कश्मल से बाहर आना है और उनको सद्गति चाहिए, अल्टीमेट बेनिफिट सद्गति चाहिए। तो जो भी हम में से जो भी वो बड़े भक्तों का रास्ते को अपनाएंगे ना, तो हमें भी ये दुनिया से मोक्ष मुक्ति ज़रूर मिलता है और वैकुंठ प्राप्ति हमें ज़रूर होता है। ये तो ये बड़े भक्त कौन है? इनको बोलते हैं महाजन। ये महाजन कौन है? 12 महाजन है, सिर्फ 12। और 12 में कौन कौन है? ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद मुनि, स्वयंभुआ मनु, चार लोगों को भी एक 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 नंबर के डाल दिया, 5। 6 प्रहलाद, 7 बलि, 8 यमराज, 9 भीष्मा जी, 10 जनक जी, 11 शुकदेव जी और 12 कपिल मुनि, जो देवहूति के पुत्र है। अब ब्रह्मा जी कहाँ के भक्त है विष्णु जी का? अरे ब्रह्मा जी तो पैदा होते ही मेडिटेशन किया है और भगवान विष्णु को पुश करके भगवान विष्णु आके उनको पूरा वेदों को दिल में प्रकट किया है ना। तो उसको फर्स्ट श्लोक में हमने बताया था ना, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्म के हृदय में प्रकट करने वाला परम सत्य वही विष्णु वही कृष्ण है। तो ब्रह्मा तो हमेशा विष्णु की तरफ ही पूजा करते हैं। और शिव जी तो कहा है ना विष्णु सहस्रनाम के बारे में उनका पत्नी से कि सुंदर मुखवाली सुनो, राम राम रामेति राम रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम दत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो शिव जी बोलते हैं सहस्र नाम विष्णु जी का और राम 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 तीन बार, दोनों तुलना करेंगे तो एक ही लेवल पर होता है, एक ही लेवल पर। तो ऐसे बोलने वाला भक्त है शिव जी। और नारद मुनि तो पता है सबको कि हमेशा नारायण नारायण के सिवा मुख से कुछ और निकलता नहीं। और स्वयंभुआ मनु भी विष्णु भक्त है। और चार कुमार तो वैकुंठ जाके और उधर दो द्वारपालक जय विजय को उन्होंने रोका विष्णु को देखने का टाइम पर, तो उनको शाप भी दे दिया गुस्से से, मुझे विष्णु को देखना है। विष्णु को देखकर वो भक्त बन गए। जब उनका चरण का तुलसी का स्मेल लिया तो ये छोटे छोटे चार कुमार जो है जो कृष्ण के विष्णु के भक्त बन गए। और प्रहलाद जी तो विष्णु भक्त थे ही, इसलिए उनका पिताजी उनको मारने का बहुत कोशिश किया, तब विष्णु जी खुद नरसिंह रूप के में आकर बचाया ना। और बलि महाराज तो प्रहलाद के पोते हैं और उन्होंने तो अपने को भी पूरा अपना सब और अपने को खुद भगवान विष्णु जो वामन रूप में आए थे उनको सौंप दिया, तो बड़े भक्त हैं। यमराज तो किसी को नहीं मालूम कि वो बड़े भक्त है, लेकिन उनको शाप मिला मंडूक मुनि के कृपा से और वो विदुर जी बन के बड़ा विष्णु भक्ति को उन्होंने समझा दिया हम सबको। भागवतम में हम देखेंगे विदुर जी का विष्णु भक्ति कृष्ण भक्ति क्या है। भीष्मा तो बड़े भक्त है कृष्णा का, उनका कृष्णा का वीर रस देखना तो बहुत अच्छा लगता था, तो इसलिए विष्णु को उन्होंने तो शपथ लिया कि मैं कृष्णा के हाथ से मैं वेपन उठा ही लूँगा ऐसे। और इतना तेज़ी से उन्होंने मारा अर्जुन को तीर, इतना तेज़ी से मारा क्योंकि उनको पता था कि कृष्णा गुस्सा करके आएंगे अपने अर्जुन को बचाने, तो गुस्सा तो दिलाया कृष्ण को। और कृष्णा को गुस्सा नहीं आता है, लेकिन गुस्सा आया जैसे उनको भी दिखाना था क्योंकि अपने भीष्म भक्त को तृप्त करना था, इसलिए क्रोध से अपने सब छोड़कर वो 4 horses को छोड़कर वो उठाया गिरा हुआ एक व्हील चक्र को उठाया, कोई रथ का टूटा हुआ वो
ऐसे ऐसे दौड़ के आए, होने का समय उनका ऊपर का कपड़ा भी नीचे गिर गया पता नहीं किधर, और ऐसे आ रहे थे तब पूरा तीर जो भीष्मा का गलती से गिरा था कृष्ण के ऊपर सब लाल लाल होके, वो सौंदर्य अपना घुंघराले बाल तो ऐसे हिल रहा था जब वे क्रोध से भाग के आ रहे थे भीष्मा की तरफ, तब जो घोड़ा का चलने से जो मिट्टी जो ऊपर आया था वो सब कृष्णा के घुंघराले बाल पर ब्लैकिश रेड कलर में बहुत ही सुंदर क्रोध का वो वीर भाव क्या है कृष्णा का वो बहुत सुंदर लगा भीष्मा जी को। और मरने का वक्त भी वो याद करते हैं, कृष्णा कितने गुस्से से तुम मेरे पास दौड़ के आए, हाँ वो वाला चेहरा तो मैं बहुत आनंद से याद करता हूँ। ऐसे याद करते करते इसी महीने में लास्ट कार्तिक जब एंड होगा लास्ट 5 डे हम विश्व पंचक फॉलो करते हैं, तो वो उस वक्त पर वो कृष्णा को याद करते करते अपना शरीर छोड़ने का वो दिन कहा जाता है वैष्णव के कैलेंडर में। तो वो विष्णु भी बड़े भक्त है और जनक महाराज विष्णु भक्त है, सुखदेव गोस्वामी तो हमारा पूरा भागवतम लिखा हुआ बड़ा भागवतम का भक्त हो तो कृष्णा का भक्त है, और कपिल मुनि देवकुति का पुत्र का भक्ति के बारे में वो एक्चुअली विष्णु का अवतार है उनका बारे में तो हम 3rd कैंटो जब आएगा तब हम देखेंगे। हरे कृष्णा, उनको हमें फॉलो करना है तो हमें भी भक्ति भी मिलेगा, इधर से मुक्ति भी मिलेगा, और भगवान के धाम में हमें जगह भी मिलेगा, सेवा भी मिलेगा। हरे कृष्णा।